तालीम रुगो कें फर्द की तदरीस तरबियत जो नालो ही ना है, पर उन तालीम के जरिए समाज की तंजीम साजी भी थे थी। कें फर्द या समाज के तालीम याफ्ता बनाने ला उनका उसूल भी मुतयन थियल उन मुरवज उसूल का हटी कर जैसे फर्दन के जबरदस्ती तालीम देने की कोशिश कई वे थी तरह तालीमी इदार में लाड़काने के कैडिट कॉलेज जड़ा दिल दुखाइंदड़ वाकया भी रूनुमा थियन था। उन वाक्यन के ऐसी उन फर्दन जो भी तालीम के उसूल का अरवाह खजी वे तो जो फर्द तालीम के उसूल में घनी दिलचस्पी रखन था। सही ही जी के लाड़काने जो वाक्य तिठो एक वाक्य तामू आयो अड़ा कें अनेक वाक्य अस नजर में गुजरन था, रिपोर्ट भी थन था, रिपोर्ट न थी हाँ रिपोर्ट थियन था, तो हि वाक्य पेश छो अचन था कारण छोटे कारण जो है सो उस्ताद की पेशेवराना जो सलाहियतूँ उन्होंने खोट आ जी पेशेवराना सलाहियत से भरपूर हुए उनके उन्होंने जान हु तो शायद ये मसला पैदा न थन उस्ताद जी का अणवणदड़ शे तो उनके नफ्सियात बुधाए थी बार जी अस तरबियती प्रोग्रामन में इन शे की गुंजाइश है तो तभी उन्के क्या सुधारे संवारे सोता उन सुधारण संवार जो तरीको इो को वो नफ्सियाती तरीके से बार के उन शे का टारणो है वो उनकी इनकरेजमेंट करनी है उनके उनकी दिल के उनके जज्बात के थदे करण के लिए उनके उस्ताद पंजा के तौर तरीका अख्तियार कंदो है तो वो उस्ताद जेकड़ी बासलाहियत है तो इन मसलन के मुंह दई सके तो यह जरूरत दरपेश कोई तो को बार के मारजे मार की तो टोटली बंदिश आ कॉर्पोरल पनिशमेंट या जिस्मानी सजा जो तस्वुर असांजे तैलीम में आहे ही कोन असांजो जेका तैलीम आहे जंहिंखे असीं फॉर्मल एडुकेशन चऊं था कतन आहे सख़्ती सां मना आहे त तव्हीं ॿार खे कॉर्पोरल पनिशमेंट न ॾियो। पोइ हाणे जेकॾहिं को उस्ताद इन ॻाल्हि खे साम्हूं नथो रखे पंहिंजे लाइल्मीअ जे करे या पंहिंजे पेशेवराना सलाहियतुनि जे खोट जे करे त पोइ उहा उन जी मर्ज़ी आहे वरना कॉर्पोरल पनिशमेंट जी मुकमिल तौर ते बंदिश आहे। अलाह पाक इंसानी जिस्म में जेको बुनियादी जेको मास्टर आहे सो त आहे दिमाग़। हाणे दिमाग़ ॾांहुं वञण जा जेके रस्ता ठाहिया आहिनि जेके दिमाग़ खे इंफॉर्मेशन ॾियनि था इतलाह ॾियनि था ऐं दिमाग़ मां वरी हुकुम ॿाहिरि अचे थो तो जी इतला से उनके असा चवना सेंसेस तो बिन किस्म जनरल एक स्पेशल स्पेशल सेंसेस मिसाल तौर चखण है मिसाल तौर ऐसा है बुधण है इन जो खास रस्त है। जनरल सेंसेस में जो शे के टच कज जो छुहाव है जो तकलीफ़ या पेन है जो मानू की बॉडी पोजिशन है ये जनरल सेंसेस हाँ मार जो असर सो बुनियादी सूर है दर्द है दुखियाई है हाँ वो सूर जैसे जिस्म के महसूस थे तो वो वे तो दिमाग दा दिमाग ना वे तो दिमाग खुद तकलीफ़ में अचे तो उन हल गोले तो उनके इंटरप्रिटेट करे तो उनके समझे तो केतरी शिद्दत की तकलीफ़ है उन रिस्पॉन्स क्या वो रिस्पॉन्स जो है जैसे कें बार के अस फिजिकल टॉर्चर दूँ था तो यकीन बार तड़प रोंद नड़ा बार तो असा स्कूल में दिखा था कपड़े में पेशाब कर उन बुनियादी उनमें एक रिफ्यूज़ल निकरे तो रिफ्यूज़ल में मुराद ये है साइंसी तरह तो बिल्कुल ये तो तुम उन जो सूर है उतना का पंजे पान के परे कर हटा माना बेन लफ्ज़ में ये भाई अस उन शे कबूल पे क्यों तो बार के वह शे जै जाए तो उनके मार पे मिले वो क्लासरूम है या वह असेंबली है या बार उतना का परे भजे यो उनको दिमाग रिफ्लेक्शन नेचुरल है हाँ माना जैसे बार के स्कूल में या मकतब में या किथे भी मार पे मिले फिजिकल टॉर्चर वजे तो बार उन शे का टहद भजन ना वेझो वजन की गुंजाइश होंगी कान तो इो जो मार जो रिफ्लेक्शन है जो मार जो असर है यो बुनियादी तौर बार के दिमाग में मनफी शनफी या नेगेटिव इम्पल्स या मनफी ख्याल पैदा करे तो स्कूल में भजा कि उन जो भजन जो रिफ्लेक्शन है वो जी ना पे तो बार जस्टिफाई तो करता है मुझे मार मिली छो है हाँ उनमें जैसे बार जो डोह ही ना है बार अगर अधो तेम स्कूल में आया तो माँ पी जो डोह है बार जो अगर वारन में तेल को माँ पी जो डोह है बार के अगर होमवर्क न कराया तो माँ पी जो डोह है
या बार अगर घर में नजरअंदाज आए हैं स्कूल में जो टीचर है उनके हाईफाई एक्सपेक्ट पे करें तब कि या बरे बार सब कुछ सीखी पड़ी आयो यो त मन उन सा बार सा इंसाफ न थियो बार मार मन बे जैसे जी बुकाए तो बार तो बुनियादी पान तो कुछ भी कोने उनके जे ठाइबो ती ठंदो हाने जने मन इन मतलब बार जे कने माओ पी जे रवैये जी मार पे खाए तो सुधर दो किथा या उनमें वा तालीम जी वा शौक या चाह किथा इंदो सजा देण जको आ कानून जुर्म आए इखलाकी जुर्म आए बदनी सजा देनी कोने मां त हैरान थिंदो आ ताया इनन के के इजाजत दी आ ता के बच्चे के मारियो शागिर्द के मारियो जदे सब सिखन सोचे आवा सिखाइंदड़ आयो आवा मेहनत करियो एकड़ो ऑप्शन त बियो ऑप्शन ट्रियो ऑप्शन इस्तेमाल करियो टाइम दियो उन के टाइम पीरियड दियो एकदम जको सो ता उन ते स्वार्थी था वणो डाडो अफसोस दुख थिंदो आ के भी माशरे में पनिशमेंट ए रिवार्ड गड हलदो आ मगर मास्टरन जी स्कूल जे टीचर जी प्रोफेसर जी जो सिलेक्शन होंदी आ उन्हीं जा भी क्राइटेरिया है असा वट चाहे तो जैके नौकरी नथी मिले जो को स्कूल में सफा डफर है थर्ड डिविजनर है उनके गोठ में मास्टर लगा था छो जो मिड़ी अजा भी डफर है तो उनके अस चौं बाबा ये वही मस्जिद में पढ़े या मौलवी वट पढ़े या कें मदरसे में वही पढ़े तो जैसे कर बार के उन स्टैंडर्ड के आणन ला अस चूं तशद न कयो मगर तशद लफ्ज़ गलत यूज था कयो यो पनिशमेंट आए सरजनिश लफ्ज़ हों उर्दू में सिंधी में सरजनिश माना ये होंगी है तो अड़ो बिहेवियर असें खे जैसा बार की तालीम में बार के उथण वेहण में बार के सलूक में बेहतरी अचे अस सिर्फ ये था चूं पनिशमेंट छो तो उतने कॉलेज में ही वाक्य थी फलानी जगह ये वाक्य थी फलानी जगह ये वाक्य थो ये वाक्या अवा सब्जेक्ट के मुताबिक अवं ऐसो तो वह वाक्य उनके फुलफिल ना कन तशद मास्तर कदें भी न कह प्राइमरी जमानन में पंजे जमानन में कंदा हा मार कंदा छो तो असाजे कल्चर में ये लफ्ज़ मौजूद हो कि मौलवी साहब इस बच्चे की हड्डियाँ हमें वापस कर देना और स्किन खाल आपकी है मतलब ये कि उसको इतने सज़ा दो कि वो सज़ा के ऊपर जो है ना हमें ये चीज़ें मिले लेकिन वो मौलवी रिजल्ट देता था आज क्या रिजल्ट देता है कि आपके 250-300 स्कूल के अंदर आपके मास्टर ही नहीं है स्कूल ही नहीं है तो सज़ा किसको दोगे अब थोड़ी सख्ती आ रही है तो उसकी वजह से अटेंडेंस तो यकीनन बेहतर हुई है मगर पढ़ाओगे क्या बी गाल तो जो लफ्ज़ है रिवार्ड जो वो रिवार्ड पाँच माशरे में केतरो आ अगर कोई स्टूडेंट टॉप कर जाता है तो उसको आप क्या देते थे बच्चे को सज़ा बिल्कुल मिलनी चाहिए मगर उस सज़ा का ताल्लुक ये है कि वो सज़ा एप्रोप्रिएट हो मुनासिब का एक लफ्ज़ होता है उस मुनासिब में ये होता है कि उसके स्किन के ऊपर वो नहीं आना चाहिए तालीम की तारीख के डिसजेता उन जा रुख मुख्तलिफ वक्तन ते तब्दील थींदा पे रहा है एक जमानो हो जना उस्ताद तालीम जो मरकज बनो दरसई तदरीस के उन नुक्ते तहत उस्ताद समूरन अख्तियारन जो मालिक हो तो हु जी चाहे तीं पंहिंजे खुताबियन के तालीम दे तालीम में उस्ताद की मरकजी हैसियत जे उन जमाने में वालदेन जड़े पंहिंजो बार उस्ताद जे हवाले कंदा हुआ तरह उस्ताद के अख्तियार दिनो वेंदो हो तो हु जेकर चाहे तो मार मोचड़े के जरिए भी संदस बार के तालीम दई सके तो उन जमाने में उस्तादन पारा बारन ते जिस्मानी तशद्दुद के मायूब न समझो वेंदो हो बाद में निसाब ए स्कूल के तालीम जो मरकज करार दिनो वियो निसाब ए स्कूल के तालीम जो मरकज करार देने वाले ख्याल पुठियां यो तसवर रखियो वियो त निसाब में जेको कुछ पढ़ाइणो आहे उहो ई उन बार के हासिल करणो आहे ए उस्ताद के भी स्कूल यानी निसाब जे लीके के नाहे लताणो दुनिया में जड़े तालीम दियण जा उहे बेई नुक्ता कामयाब थी न सघिया तॾहिं पोइ बार के तालीम जो मरकज बणायो वियो तालीम दियण जे उन नुक़्ते तहत उस्ताद के बार जी मर्ज़ी मूजिब पढ़ाइण जो पाबंद बणायो वियो ऐं निसाब खे बि अहिड़ी रीत तरतीब ॾियण जी पाबंदी लॻाई वई हिन वक़्तु दुनिया में जेको तालीम ॾियण जो उसूल मुरवज आहे तंहिं तहत ॿार ई तालीम जो मर्कज़ आहे ऐं निसाब तोड़े उस्ताद उन ॻाल्हि जा पाबंद आहिनि त हू ॿार खे मर्कज़ बणाए संदसि मर्ज़ी ऐं मंशा मूजिबि उनखे तालीम ॾियनि असांजे तइलीम जे मक़सदनि में ई तब्दीली आई पहिरीं तइलीम जो मक़सदु हूंदो हो रूहानियत जी तइलीम जंहिंमें माण्हू उनजी
इबादतूं पूजा पाठ बंदगी अल्लाह के राज़ी करण या जेको भी मतलब जंजो हुंदो उन्हें में मकसद हुंदो रूहानियत की तैलीम हासिल करण ऐं माण्हुनि जो इन्हीं पासे घणो लाड़ो हुंदो माण्हू बनवासी थी वेंदा हुआ वञी किथे झंग में वेही रहंदा किथे गोशा नशीनी में वेही लाला कंदा पोइ हिकिड़ो गुरु हूंदो हुओ या उस्तादु हूंदो हुओ ॿ टे ॿार वठी वञी किथे वीरान जाइ ते तैलीम ॾींदो त उहो उन वक़्त में जेको तैलीम जो मक़सदु हूंदो हुओ रुहानियत जी तैलीम हासिलु करणु पोइ आहिस्ता आहिस्ता जॾहिं वक़्त जी हालतुनि फेरो खाधो उस्ताद बि पंहिंजे रवैये में तब्दीली आणी आंदी छाकाणि त उस्ताद खे आहिस्ता पहिस्ता वॾनि पंहिंजो बादशाहनि ऐं हाकमनि पाण ॾे माइल करण जे लाइ पंहिंजे मक़सदनि खे हासिलु करण जे लाइ चोॻो विधो उन्हनि खे जागीरूं ॾिनऊं उन्हनि खे इनामात ॾिनऊं उन्हनि खे ख़िलतूं ॾिनऊं उन्हनि खे नाणे में नाणू ॾिनऊं पैसो ॾिनऊं पोइ उन्हनि पंहिंजे तइलीम ऐं तरबियत खे उन्हनि बादशाहनि जो महताज बणाए छॾियो ऐं पोइ अॻिते हली जेको रुहानियत वारी तइलीम हुई उन खां हटी पोइ तइलीम इन जो तइलीम हासिलु करण जो मक़सदु थी वियो तइलीम भराए पेट पोइ रोज़गार जो मसइलो बणिजी पियो पोइ जेको फारसी घोड़े चाढ़ी जॾहिं हाकिमनि जी जेका दफ़्तरी ॿोली हुई फारसी हुई त हुन ॾिठो त फारसी पढ़ण वारे खे नौकिरी मिले थी पेट चङो पाले सघे थो गुज़र सफ़र सुठो थो थिए मुआशिरे में इज़त ऐं मान बि अथसि छाकाणि त पैसो जंहिं वटां हुनखे मान मिले थो त पोइ उन्हनि माण्हुनि पंहिंजो तइलीम जो मक़सदु तब्दील करे ऐं तइलीम बणाए पेट बणाए छॾी पोइ हाणे जॾहिं तइलीम जो मक़सदु मटिजी वियो पहिरियों त पोइ हिननि चयो त हाणे किताब पढ़ायो ॿारनि खे बादशाहनि जा ॿारनि बि तइलीम हासिलु करणु शुरू कई ऐं अवाम जा जेके माण्हू तइलीम हासिलु करणु चाहींदा हुआ उन्हनि बि तइलीम हासिलु कई हाणे चऊं हिकिड़ो निसाब ठाहियो त जीअं हिननि खे मुआशिरे में जेका ज़रूरत आहे पेट पालण जी उहा बि पूरी थिए ऐं जेको माण्हू दाता आहे जेको ॾिए थो उहो पंहिंजे मर्ज़ीअ मुताबिक़ उन्हनि खां उहो कमु वठी सघे पोइ इहो अचे उस्ताद खे मर्कज़ बणायऊं तइलीम जो पोइ जीअं वक़्त ऐं हालतुनि तब्दील में तब्दील आई ऐं माण्हू मटबा आया ज़हनी त शऊर बि माण्हुनि में पैदा थियो पोइ हुननि चयो त हाणे उस्ताद खे छॾियो हाणे हीउ निसाब मुक़ररु कयो इहो निसाब पढ़ायो ॿार खे पोइ तइलीम जो मर्कज़ बणायूं किताब खे ऐं निसाब खे पोइ हिन निसाब मुताबिक़ पढ़ाईंदा उन मां जॾहिं नतीजा सुठा कोन निकिता तॾहिं वरी हिन माण्हुनि सोचणु शुरू कयो त हाणे जॾहिं किताब मर्ज़ी मुताबिक़ थो पढ़ायो वञे पर ॿार जे ज़रूरतुनि खे या मुआशिरे जे ज़रूरतुनि खे नथो ॾिठो वञे असांजो जेकॾहिं ज़रई मुल्क आहे मिसाल त असांजे ॿारनि खे या असांजो जेको नओं नसुल आहे उनखे ज़रात जी तरबियत ॾियणु खपे वधीक जीअं असीं असांजो मुल्क या माण्हू पाण भरा थी सघनि उहो अहिड़ी तरह सां ज़रूरतुनि खे महसूसु करे क्यों भई हाणे इनखे नीड बेस्ड ठाहियो हाणे नीड कंहिंजी हूंदी नीड मुआशिरे जी हूंदी ॿी नीड हूंदी ॿार जी जेको सुभाणे जो ज़िमेदार शहरी थींदो पोइ हुननि वरी तब्दीली आंदी पर अॼु बि तव्हीं ॾिसो त न उस्ताद खे किताब खे ऐं ॿार खे असीं धार करे कोन सघिया आहियूं इहो हिकिड़ो अहिड़ी चेन आहे अहिड़ी हिकिड़ी ज़ंजीर आहे जंहिंजी कड़ी कड़ीअ सां मिले थी जेकॾहिं असीं उस्ताद खे ख़ारिज करे छॾियूं त बि तइलीम असांजी कोन हली सघंदी किताब कढूं या निसाब कढूं तॾहिं बि कोन तइलीम असांजी कारगर साबित थींदी हाणे शागिर्दु जेको आहे उहो तइलीम हासिलु करे थो पर उन में असांखे कम्यूनिटी ऐं मुआशिरे खे पंहिंजे माइटनि खे बि ज़रूरु विच में आणणो पवंदो छाकाणि त उहो जेकॾहिं भरपूर सहकार कंदो मुआशिरो असां सां या कम्यूनिटी या समाज त पोइ असीं सभई गॾिजी सॼी तइलीम खे मुयसरु बणाए सघूं था ऐं उस्ताद खे बि जेका पंहिंजी ज़िमेदारी आहे उहा जेकॾहिं हू पाण नथो महसूसु करे त हुनखे कम्यूनिटी जे तरफ़ां महसूसु कराई वेंदी त असांजी जेका चेन आहे उहे कड़ियूं टुटलूं आहिनि जेकॾहिं इहे कड़ियूं मिलाए विझूं त पोइ न को कॉर्पोरल पनिशमेंट जी ज़रूरत पए न ॿार खे मार जी ज़रूरत पए
सिंध में जै अ फॉर्मल स्कूल जो रवाज न पो हो तरह बार मदरसन मकतबन में तालीम दिनी वी हुई उन वक्त में घणो जोर मजहबी तालीम जो हो उन मदरसन तोड़े मकतबन जो तालीम दियण जो अंदाज भी होंद हो उन्हें डीन में उस्ताद तालीम जो मरकज बनल अड़न डीन में उस्तादन पारा शागिर्दन या खुताबन से जिस्मानी तशद्दुद मामूल की गाल समझी वी हुई यो मुहावरो भी मशहूर थो त मार बार जी संवार है मदरसन जो जो दौर है असो वो कें हद तक सुठो दौर तो रो इन में तो कोई शक हो बार जला पर उते बो वो फैक्टर ये हो तो उते शे हुई तो जो उस्ताद हो उनके बार के घर की खबर हुई उमूमन उनका घर एक वेझा हूँ या बया बार चौवी कलाक उस्ताद वो रहा हुआ जिनके पा मदरसन में चवन रहायश बार होंगी बोर्डिंग वह चौवी कलाक होंगी तो चौवी कलाक वो बार जो उस्ताद से गड हों उस्ताद के उठने की वेहण की टाइमिंग की निंड की सब शे की खबर होंगी जन बार जला चौवी कलाक वो उस्ताद उ ही है जो उन माइट है तो एक यो पॉजिटिव फैक्टर हो वरी नेगेटिव फैक्टर यो तो उस्ताद के फुल इख्तियार हो बार के जी जड़े तरीके से मतलब सजा दे उन पुछण गछण वो केर को उनको मनफी फैक्टर हो आस्ते आस्ते जान अंग्रेज के दौर में आयो तो रोल अची वो टेबुल से उस्ताद रखो भाई ठक ठक पी थे काठी पी है हाँ वह रोल जो है वो बुनियादी तौर जान तो उनकी हुक्मरानी थी वही बाकायद उन रोल हुक्मरानी के सेंस में अची तो उन मुताबिक बार के पढ़ाया वो यानी बार के पाबंद किया इशार से तो हिं पढ़ हिं पढ़ हिं पढ़ हिं पढ़ ताहम भी उन दौर में वो बी गाल तो उस्ताद जो कैलिबर सुठो उस्तादन के पुठियां एक चेक एंड बैलेंस हो उस्तादन के जान त खबर हुई तो मुख्य भी केर गायबाना तौर ऐसे पो जै अंग्रेजन के दौर में बार तालीम दियण ला फॉर्मल स्कूल खोलिया वह तरह समूरन स्कूलन लाए एक जड़ो निसाब तैयार किया वो उन दौर में भी बार सजा दियण जो रवाज तो मौजूद हो पर वह सजा एतरी तो मुनासिब होंदी हुई जो बार सजा से हरू भरू को जिस्मानी नुकसान पहुंची न सकदो उन्हीं दौर में उस्तादन की तरबियत जहाँ कॉलेज प्रैक्टिसिंग स्कूल भी खोलिया वह उन तरबियती कॉलेजन में उस्तादन के तरबियत दियण ला उन गाल जो पाबंद बनाया वो हो तो तरबियत के आधार से बार तालीम दियन उस्तादन की तरबियत के मयार के जांचण के लिए ट्रेनिंग कॉलेजन से सलाहड़ प्रैक्टिसिंग स्कूलन में उस्तादन के क्लास भी वरता वा हुआ असि जहाँ मजहबी तैलीम दियण वाला मदारिसन उन निज़ाम उन मजाज उहे जंहिं तरीक़े सां पढ़ी ऐं अची वरी पढ़ाइण ते मामूर थियनि था त हुननि वटि जेको दस्तूर आहे उहो मार वारो आहे हू अॼु बि इन ते कार वञनि त मार ई संवार आहे ॿार जी तंहिं करे उहे ॿार खे मारनि था ऐं बेरहमीअ सां मारनि था छाकाणि त उन्हनि उन ज़माने में जॾहिं इहा तइलीम दस्तूरी तइलीम मदारिस वारी हूंदी हुई त तइलीम घटि हुई माण्हू तमामु थोरा ॿारनि खे छॾींदा हुआ पढ़ाइण जे लाइ पोइ जेके माण्हू सरंदीअ वारा हूंदा हुआ उन्हनि जे ॿारनि खे उस्ताद बि कोन मारींदो हुओ जेके माण्हू वरी सरंदीअ वारा कोन हूंदा हुआ उन्हनि जे ॿारनि खे मार बि मिलंदी हुई उन्हनि खे उहो पिनाईंदो हुआ टोकर बि वठी ईंदा हुआ राति जो पिनी माण्हुनि खां अचो उहे मदरसे में खाईंदा पीअंदा हुआ पोइ उन्हनि वटि उहो दस्तूर अञा हलंदड़ आहे ऐं हलंदो थो अचे उन्हनि वटि ॿार जी मार ई संवार आहे असांजे पंहिंजे हिन फॉर्मल एजुकेशन या जेका असांजी रस्मी तइलीम आहे उन में इन क़िस्म जी का बि गुंजाइश कोन्हे उस्तादनि जी तरबियत जो को फुकदान आहे या को प्रॉब्लम आहे जीअं हिकिड़े अंधे खे अखियुनि जी नूर जी ज़रूरत आहे तीअं उस्ताद खे बि ट्रेनिंग ज़रूरत आहे उस्ताद थी वियो पर आउं चवंदुसि नाले मात्र थियो सिर्फ़ु नाले उस्ताद आहे पुठियां कुझु कोन्हे काश जेकॾहिं उहो तरबियत वठंदो उन उसूल तरीक़ेकार मेथड्स उहे तरीक़ा इस्तेमालु कंदो पोइ उस्ताद थी सघे थो बाक़ी सिर्फ़ु उस्ताद पघार खईं टीचर थी वियो उहो उस्ताद खे आउं उस्ताद न चवंदुसि ज़रूरी आहे त ट्रेनिंग वठे उहे तरीक़ा सिखे ऐं उन ते अमल करे सिर्फ़ु पढ़ी न उन ते अमल पहिरां थिए त पोइ उहो जेको सो ॿारनि सां तशद कॾहिं बि न करे सघंदो मेथड्स छा था सेखारीनि हाँ मेथड्स इलाही सवले में सवला मेथड्स उहे इस्तेमालु करे ॿार लाइ ऐं ॿार उन्हनि मेथड सां पढ़ी वेंदो आहे जेको माउ जी झोली खां पढ़े पियो पाण प्रैक्टिकल करे पियो हर शइ खे ॾिसे पियो ऐं ॿ अढाई लफ़्ज़ सिखी ईंदो आहे घरां उहो प्यार मुहबत में लाॾो कोॾण सिखी ईंदो आहे असांजो उस्ताद लठ सां खणी हुनखे हुकुम ॾेई
उन्हें गलो बंद करने की कोशिश कर जी गल न सके बुधा तो जो कच्चो उस्ताद है जो अनट्रेन्ड है वो पाँचा ऐब छुपाने ला पाँच खामियों छुपाने ला शागिर्द रोब काप कुलिस वाला लगन या को बो लग को फौजी ऑफिसर लगन टीचर न लगन हालांकि टीचर फ्रूटफुल होे थोड़ा झुका हो खे पर टड़ हों टीचर छो तो उन नॉलेज को खाली हों तरबियती कॉलेज मुख्य जिस तबर आ फॉर्मल एजुकेशन अस जैसे शुरू थी तकरीबन 1853 असि अल्फाबेट ठही 1854-55 दर्सी किताब आया फॉर्मल एजुकेशन शुरू थी उन जमाने में छाकाण उस्ताद जेके हुआसे उहे क्वालिफिकेशन उन्हें जेके हुयूं से इहे कोन हुयूं जेके हींअरन पुणे में तरबियती प्रोग्राम हलंदा हुआ उतां पुणे खां हिननि टीचर्स घुराया जिन अची हिते टीचर्स के ट्रेन कयो 1858 में हिननि पहिरियों तरबियती इदारो सिंध में क़ाइमु कयो जेको कराची में हो उन में टीचर जेके रखिया हुआ उस्तादनि खे पढ़ाइण जे लाइ उहे सभु पुणे खां आया उन्हनि जी ॿोली बि जेका हूंदी सिंधी कोन हूंदी घणो करे उहे इंग्लिश मीडियम में पढ़ाईंदा हुआ ऐं जेके उस्ताद तरबियत हासिलु करण वारा हूंदा से बि उहे हूंदा जेके अंग्रेज़ी सम्झी सघंदा हूंदा बहरहाल जॾहिं फॉर्मल एजुकेशन अंग्रेज़नि जे दौर में शुरू थी दर्सी किताब ठहिया त पोइ ज़रूरत महसूसु कयूं त उस्तादनि खे त तरबियत ॾियूं छाकाणि जेकॾहिं उस्ताद तरबियत याफ़्ता न हूंदो त पोइ शायदि ॿारनि खे उहो उहा तइलीम न ॾेई सघे जेका ॾियणु खपे पोइ हुननि तरबियती इदारा शुरू कया ऐं पहिरियों तरबियती स्कूल या ट्रेनिंग स्कूल जंहिंखे नॉर्मल स्कूल चवंदो उहो कराची में शुरू कयूं पोइ वरी कराचीअ खां 1858 खां में शिफ्ट करे आया हिते हैदराबाद में मौजूदु जेका केवलिटी आहे लालबत्ती इते हिननि अची हिकिड़ी बिल्डिंग मसवाड़ ते वठी ऐं उते ट्रेनिंग शुरू कराई उस्तादनि जी पोइ वरी ट्रेनिंग कॉलेज ठहियो जेको सिंध में वाहिद कॉलेज हो ऐं उन में पोइ उस्तादनि खे तरबियत ॾींदा ऐं वर्निकल फाइनल जो इम्तिहान जेको हूंदो उनखे छा उन सर्टिफिकेट जो नालो हूंदो बहिरालो फाइनल सते क्लास मां ॾींदा पोइ जेको माण्हू फाइनल पास कंदो उनखे टीचर मुक़ररु कंदा ऐं हिकिड़ो ट्रेनिंग जो वरी दस्तूर इहो हूंदो हुओ त कुझु वक़्तु स्कूल में पढ़ाइण वारे उस्ताद खे ट्रेनिंग जे लाइ चूंडींदा हुआ पोइ उहो उस्ताद साल पढ़ी वरी मोटी वेंदो हुओ वञी पंहिंजे स्कूल में कमु कंदो हुओ पोइ वरी जॾहिं ॾिसंदा त साल ॿ साल टे साल पढ़ंदे कारकरदगी सुठी आहे ऐं अमल करे पियो जेकी तरबियत हासिलु करे वियो आहे त पोइ वरी उनखे ॿिए साल जे लाइ चूंडींदा हुआ वरी उहो ॿिए साल जी ट्रेनिंग करे वरी मोटी वेंदो हुओ पंहिंजे स्कूल में पोइ उते जॾहिं वञी पंहिंजो उहो जेको पढ़ी वेंदो हुओ उहो वञी अमली तौर ते माना पंहिंजे स्कूलनि में आज़माईंदो हुओ ऐं गोया के स्कूल हिकिड़ी लेबॉरेटरी ठही वेंदो हुओ उन माण्हू जे लाइ जिते हू वञी पंहिंजा तजुर्बात कंदो हुओ जेके कुझु सिखी वियो हूंदो पोइ तमामु जीनियस टीचर्स जेके हूंदा उन्हनि खे वरी टे साल जे लाइ चूंडींदा हुआ उनखे फस्ट चवंदा हुआ पहिरें साल खे थर्ड चवंदा ॿिए साल खे सेकंड चवंदा ऐं टे साल वारे खे फस्ट चवंदा ऐं उहो जेको उस्तादु हूंदो उनखे एतिरी ॼाण हूंदी जो अॼु जो जेको असीं चवंदा त को पी एच डी होल्डर माण्हू हुजे उनखे जेतिरी ॼाण हुजणु खपे पंहिंजे सब्जेक्ट जी ओतिरी ॼाण उन टीचर खे हर सब्जेक्ट में हूंदी हुई तालीम ॾियण जे मामले में दुनिया तरक़ी कई त पाकिस्तान ऐं सिंध में बि उन जा असर पवणु शुरू थिया दुनिया में ॿारनि खे तालीम ॾियण जा ॿ तरीक़ा घणो मशहूरु आहिनि जिन में किंडरगार्टन ऐं मॉन्टेसोरी तरीक़ो शामिलु आहिनि किंडरगार्टन तरीक़ो ॿारनि जी तालीम लाइ पीढ़ जे पथर वारी हैसियत रखे थो किंडरगार्टन जर्मन ज़बान जो इस्तिलाह आहे जंहिंजी माना आहे ॿारनि जो बाग़ीचो किंडरगार्टन तरीक़े जो बानी जर्मन शख़्स फेरो बिल हो जेको माटे जी माउ जे अढंगी हालति सबबि घर मां निकिरी वेंदो हो ऐं झंग में भटकंदो वतंदो हो हुन पढ़ाइण जो जेको तरीक़ो मुतारिफ़ करायो तंहिं तहत प्यार ऐं मुहबत सां ॿारनि जी सलाहियत खे उजागर करण जी ज़रूरत ते ज़ोर भरियो वियो मॉन्टेसोरी वारे तरीक़े में बि ॿारनि जे सलाहियतनि
उनके हवासन के मुख्तलिफ तरीकन से उजागर करण उभारण की जरूरत से जोर भरल है। उन्हें बिन्हीं तरीकन में बालन ते तशद्दुद की पाबंदी आयद थियल है जो पढ़ाने जा उहे तरीका वाज़े कन था त तशद्दुद सख्ती सजा जा बिया तरीका बालन के सिखण समझण परखण परूरण के सलाहियतन ते बिना नाकारी असर छड़ीन था सजा सा बार की शख्सियत बुरी तरह मुतासिर थी। असा वट खास कर सिंध में एक तो तालीमी पॉलिसी है कोन बिना है कोन उनखा पोए तालीमी पॉलिसी न होजण सा गड जेके बे असा जा तालीम सा वाबस्ता जेके बे इदारा आइन उनन में मुख्तलिफ वक्तन ते मुख्तलिफ हुकूमतन नवा नवा तजुर्बा कया उनन तजुर्बन जे करे बे जेके असा जा प्राइमरी जेका खास करे तालीम आ उहा तरक्की करण जे बजाय हमेशा पस्ती में वई आ। उनखा अलावा जेके वरी तालीमी इदारन में जेके मुख्तलिफ जेके उन जा माण्हू आइन उन जो यूनियन सिस्टम आ सागे नमूने से ऑफिसर्स जो थोड़े थोड़े वक्त में तब्दीलियों बदलियों या वे मुख्तलिफ ऑफिसर जो पोस्टू होजन थी उत्ते जेके मानू नाहिन खाली जगहों खास उ जगहों जेके एडमिनिस्ट्रेशन का अलावा जिनको कम असल में ये होजे तो तालीम में जो ट्रेनिंग्स टीचर्स जो उनके दिसन तालीम के करिकुलम के दिसन तालीम किए थे पी उनके दिसन उ या तो खाली होंदन या उनके साइड पोस्टू समझो वो ए खास उ पोस्टू जेके बाकी एडमिनिस्ट्रेशन जो पोस्टू होंद जिनके बदली करण की जिनके नौकरी दियण की जिनके इन किस्म की ताकत होजे थी पावर होजे तो उ पोस्टू या तो भरल होंद या उन्हें कम वा मू वेठा होंद के पढ़ाण असल में एक वो फन हुए तो उन हुनर जरिए ही उस्ताद बार सलाहियत के उजागर कन था। पाकिस्तान जड़न तरक्की पजीर मुल्क अलमियो रो है इतने उस्ताद की चूंड मेरिट ते नथी थिए अड़न मानन के बतौर उस्ताद भर्ती करे स्कूलन में मोकल वे तो जिनमें अक्सर उस्ताद बारन के पढ़ाने बदर सिर्फ पैं पघार में दिलचस्पी रखन था। हकीकत यहाँ है त उस्तादन की तरबियत जो भी इतने को मुरवज मरबूत निज़ाम मौजूद को अंग्रेजन के दौर में जो उस्तादन जहाँ तरबियती कॉलेज खोलिया वह हुआ तिन में हाजिर सर्विस उस्तादन की तरबियत से खास ध्यान दिनों वो हो उस्तादन के तरबियती कोर्स में तालीम देने जहाँ तरीका भी खेन सेखारा वा हुआ उस्तादन के बार अवसर ए मुशावरत ज मजमून भी खसूसी दिलचस्पी से पढ़ाया वा हुआ। अमली तौर उन वक्त उस्ताद भी जेतोणीक पैंजे तरबियत के आधार से स्कूलन में अमली कारकर्दगी जो मुजाहरो करण का लवाइंदा हुआ पर पोए भी उन तरबियत जो नाले मात्र उस्तादन ते असर जरूर रहंदो हो। नवे के ढहाके में तो उस्तादन की तरबियत वारो अमल बाग ही डावांडोल थी वो जो उन दौर में क्रैश प्रोग्राम तहत उस्तादन की तरबियत जहाँ खानगी इदारा खुली व्या जिन तहत उस्तादन के धड़ाधड़ तरबियती सर्टिफिकेट जारी थे जैसा उस्तादन की अमली तरबियत जो बाब मुकम्मल तौर पर बंद थी वो हाँ तो हाजिर सर्विस उस्तादन की तरबियत जो को जिक्र जोगो प्रोग्राम भी हलंदड़ को उस्तादन की तरबियत जहाँ इदारा हाँ अड़न शागिर्दन के डिग्री दियण जहाँ इदारा बन वन जैके शागिर्द मास्तरी जो नौकरियों वन जहाँ ख्वाहिशमंद होजन था। इनखा अगे प्राइमरी मास्तर PTC जूनियर स्कूल मास्तर CTC हाई स्कूल के उस्ताद BEd कॉलेज के उस्ताद के लिए MEd की डिग्री जरूरी होंगी हुई। क्रैश प्रोग्राम तहत उस्ताद की अमली तरबियत जो जण तो जनाजो खजी वो उस्ताद पैं इल्म अकुल तहत बार तालीम दियण लगा स्कूलन में बार सख्त का सख्त सजाऊँ दियण जो रवाज भी वधी वण थी। असो जो प्रोफेशन है जो सो जानदार शाइंदा बिहार जानदार शाया जो कुंभर है हेयर कटिंग वो है दर्जी है सब बेजान शसा वो जानदार शेठ है पे अस एहतियात को पा करूँ हालांकि वाढ़ो भी एहतियात से हलो है रंबे वगैरह के या कुंभर भी एहतियात से जो कम कह असा उस्ताद मुझे उस्ताद जो अनट्रेंड है या तरबे वे तो असं तो दूँ था पर मूँ दिठो नोट किया स्कूल में वही चेक किया तो उका AVD इस्तेमाल न कंदा इमदादी अशा बार न ढींदा ये रटो लगराइंदा बाबा इतना का इतना पढ़ी अच्छा हालांकि उसूल है तुम पंज दफा भेरा दियो उनके पढ़ो बार जैसे चवन सा अस समझी आयो ओके कंते का छो अधूरो पढ़ या इतना का पढ़ी हिस पढ़ो यो गलत है। क्रैश प्रोग्राम एजुकेशन जो बेड़ो बोड़े छोड़ो हाँ जिथे तभी पे तो यो
पार्टीशन का टीचर्स हलिया वह तो जेके भी टीचर 5-7 दर्जा पढ़ल उन्होंने मुकर्र क्यों टीचर करे तो बिन साल तरबियती प्रोग्राम जो उनके मटाए एक साल जो क्यों घटाए हाँ बिन साल जो साल को मूँ पढ़ा तो उतनी तैलीम हासिल को वरी वो जदी एक साल वाले प्रोग्राम के भी 3 महीनों जो क्रैश प्रोग्राम क्यों सो भी किथे जिते जिते सेंटर पैरें बहरें स्कूल में खोले मरकजी स्कूल में इन तरबियती क्रैश प्रोग्राम्स रखा 3 महीनों वाला उनमें उनके हाँ कड़ी तरबियत हासिल कदा छाकाणि वो जेके पढ़ाने वाला उते हुंदा वो भी उन लेवल जा उस्ताद कोन हुंदा जेड़ा तरबियती इदारन में हुंदा ऐं उते माहौल बि उन्हनि खे उहो मुयसरु कोन हूंदो छाकाणि माहौल जेकॾहिं कोन्हे त पोइ तरबियत त कोन सही थी सघंदी तंहिं करे उहो क्रैश प्रोग्राम जॾहिं हिननि हलाया दर दर ते हिननि क्रैश प्रोग्राम खोले छॾिया 3 महीननि जा त 3 सालनि जे जाइज़ जे 3 महीननि में तरबियत जेका मिलंदी सां कहिड़े क़िस्म जी तरबियत हूंदी तरबियती प्रोग्रामनि में जेके असांजा मज़मून आहिनि उन में ॿार जी जॾहिं नफ़्सियात पढ़ाई थी वञे त ॿार जे ॼमण खां ॼमण छा पर जॾहिं हू वजूद में अचे थो माउ जे पेट में उन खां वठी उन जूं जेके मंज़िलूं आहिनि उन्हनि जो जेको नशोनुमा आहे उन सॼी जी इल्मी ॼाण मिले थी उन खां पोइ उन खे ॿार खे कीअं सम्झिजे कहिड़ी उमिरि जे अवस्था में ॿार जी जा कहिड़ियूं घुर्जूं आहिनि उन ॿार खे कीअं संभालजे उन जा इमोशंस जा जज़्बात कहिड़ा आहिनि उन्हनि खे कंट्रोल कीअं कजे कहिड़ी उमिरि जे हद ते ॿार जेको आहे सो उहो हैजानी सूरत में हूंदो आहे हुनजे ज़हन में हलचल हूंदी आहे तंहिं करे उन उमिरि में हुनखे कीअं संभालजे उन में सिर्फ़ु उस्ताद जो त हथु हूंदो ई हूंदो आहे पर माइटनि जो सहकार ज़रूरी हूंदो आहे उहो वरी असांजी बदकिस्मती इहा त माइटु असांजो एतिरो बाशूर कोन्हे जेको उस्ताद सां कोऑपरेट करे तव्हां ॾिसो बसा औकात माइटु स्कूल में अची कॾहिं पुछंदो बि कोन्हे त मुंहिंजे ॿार जी कारकर्दगी छा आहे अचे थो कोन थो अचे पाकिस्तान जहिड़े तरक़ी पज़ीर मुल्क जी इहा बदकिस्मती रही आहे जो 67 सालनि में हिते हिकु जहिड़ो तालीमी निज़ाम राइज थी न सघियो आहे हिते आम माण्हुनि जे ॿारनि जी तालीम लाइ सरकारी स्कूल क़ाइमु थियल आहिनि जॾहिं त साहिब हैसियत माण्हू वरी पंहिंजे ॿारनि खे ख़ानगी स्कूलनि में पढ़ाइनि था ख़ानगी स्कूलनि में हिकिड़े तरीक़े सां त वरी सरकारी स्कूलनि में ॿिए तरीक़े सां ॿारनि खे तालीम ॾिनी वञे थी सरकारी स्कूलनि में ॿारनि लाइ जज़ा ऐं सज़ा जा हिकिड़ा तरीक़ा त वरी ख़ानगी स्कूलनि में जज़ा ऐं सज़ा जा ॿिया तरीक़ा राइज थियल आहिनि यूनिवर्सिटियूं जिते जिस्मानी सज़ा जो रवाजु त मुरवज कोन्हे पर उते पढ़ंदड़ शागिर्दनि ऐं शागिर्दाननि खे सज़ा जा ॿिया अनोखा तरीक़ा भोगणा पवनि था गुनाह जी सज़ा थींदी आहे बाक़ी हाणे माण्हू पढ़ी नथो सघे उन जी सज़ा काई आहे कोन दुनिया जे कंहिं बि उसूल कंहिं बि इंसानी तरीक़ेकार कंहिं बि मज़हब में किथे बि जेकॾहिं को ॿार नथो पढ़े त उन जी सज़ा जेको जवाज़ु पैदा ई नथो थिए ठीकु आहे हाणे अॼु ॾिसूं त भला जेकॾहिं असां जवाज़ु पैदा नथो थिए त ॾिनी छो थी वञे उहो आउं ईअं सम्झंदो आहियां या मुंहिंजो ख़्यालु इहो आहे त असल में जेको उस्तादु आहे उहो उन लाइक़ु ई नाहे त हू ॿार खे उन जॻह ते पहुचाए सघे जो हुन खे ॿार खे सज़ा ॾियण जी ज़रूरत न पवे या त उस्ताद खे सही नमूने सां का ट्रेनिंग नाहे उनखे सिखिया नाहे त हू ॿार खे कहिड़े अंदाज़ में पढ़ाए जो ॿार उनखे सम्झी वञे या उनजी पंहिंजी एतिरी लेवल नाहे या जेको किताबु उनखे पढ़ायो थो वञे उन किताब में जेको सिलेबस आहे उहो ॿार जे उन उमिरि मुताबिक़ नाहे छो त असां वटि जेको सिलेबस आहे उहो कॾहिं टेस्ट करे कोन ॾिनो वेंदो आहे त भई हीउ जेको असां सिलेबस ॾियूं था पिया इहो टेस्ट कजे त हिन उमिरि जे ॿार ताईं सही आहे या ग़लति आहे हिकिड़ी ॻाल्हि इहा आहे ॿियो वरी जेको असां वटि पूरो तइलीमी निज़ाम तबक़ाती निज़ाम आहे उन में जेको ग़रीब तरीन माण्हू आहे उन जा ॿार प्राइमरी स्कूल खां वठी सरकारी स्कूल में दाख़िला ईअं न त वठनि था घणे में घणो था दाख़िला वठण लाइ बि तयारु न आहे पर जेकॾहिं दाख़िला वठी सघे थो त उहो सरकारी स्कूल में वठी सघे थो अच्छा उन खां पोइ उते सज़ा उन उस्ताद वटि आहे ई आहे ऐं सज़ा ॻोठनि खां वठी शहरनि जे स्कूल में बि सज़ा मुख़्तलिफ़ तरीक़नि सां ॿार खे मिले थी
प्राइवेट स्कूलों में जो घिटिन जहाँ प्राइमरी स्कूल या प्राइवेट स्कूल्स उन्होंने हालतों सागे सरकारी स्कूलों वागुर छो तो उतो जो उस्ताद आ उनके एतरी पगार नी मिली सके पगार न मिलने सबब वरी सागे अंदाज में उत बार उ पढ़न था जो गरीबन जहाँ मूँ आज फीस 300, 400 या 500 दियन था हाँ जो स्कूल जो मालिक आ उनके उन 300, 400, 500 पैसा भी कमाना उनके पैं स्कूल के बिल्डिंग जो किरायो भी दियणो आ उनके उस्तादन की पगार भी दियणी आंजो घर भी हलो आ तो उनके जो उस्ताद की जो स्टेटस है या उस्ताद की क्वालिटी आ वो पॉसिबल ही ना तो उनके सुठी मिले सागी जगह से जो उस्ताद आने बार के मार डी सजा डी जो परेशानियों जो तकलीफों वो सागे नमूने से उनको वजन बार से ही पवे तो बो जो किस्म है प्राइवेट स्कूल्स जो जो मिडिल लेवल जे असान लोअर मिडिल क्लास जहाँ मूँ पढ़न था उन्नी फीस कुछ सुठी है 2,000, 2,500, 3,000 तीन जहाँ बार में जाहिरी तौर सजा जो कॉन्सेप्ट घट आ पर उते वरी कन्वर्ट थे वे अब्यूज़ में जो मुख्तलिफ़ किस्म जहाँ अब्यूज़ हैं उन्हें में साइकोलॉजिकल अब्यूज़ आ वर्बल अब्यूज़ आ इवन सेक्शुअल अब्यूज़ आ उ बार थियन पे उते उस्ताद कन था या वरी उते उन्हें में शागिर्द पान भी इन्वॉल्व थी वन था छो तो उते जो शागिर्द पढ़न था उन्न खानदान जहा होजन था उन फैमिलीज जहा होजन था जे कें हद तैं पान के डॉमिनेंट समझन था उन्हें जी वरी सिख्या एडी सुठी कोन हुई थी जिते उ कन्फ्लिक्ट्स जिते अब्यूज इन किस्म शन थी अपर क्लास जो स्कूल है उन जो हालत मुझे ख्याल में माफी वेठंदुम जैसे कोई प्राइवेट स्कूल या इनरेबल स्कूल जो मूँ चवे पर जो मुझी ऑब्जर्वेशन है इवन कुछ दोस्त से कचहर भी क्यों कुछ ढी अग कें सिलसिले में का मीटिंग हुई उत कुछ दोस्त इस्लामाबाद जहा आयल हुआ उन्होंने मुँह पुछा कई तो वहाँ वे स्कूल्स जे सुठी लेवल जहाँ प्राइवेट स्कूल्स उनमें सब का वो मसलो तुम समझो जो इन वक्त समाजी मसलो स्कूल से वाबस्त है तो उन में एक औरत टिन बार माँ हुई उन बार उत वे स्कूल में पढ़न पे उन यो थी समझा तो जो मुझा बार उन में जी समाजी बेराहर भी वी वही इन सजे सिलसिले के ऐसे तो यो सो सबब यो आ तो एक तो असा वटे कंप्लीट एक एजुकेशन पॉलिसी ना प्राइमरी का वी यूनिवर्सिटी तीन मुख्तलिफ़ तबक के मानून के लिए मुख्तलिफ़ स्कूल अलग यूनिवर्सिटियों अलग कॉलेज अलग स्कूल सागे नमूने से जे वरी एडमिनिस्ट्रेशन है वह भी अलग अलग हुए थी मानून के पैंजी जो वसार जो उनके पैसो वो पाँ बार उत वी वे थो आखिर में जो यूनिवर्सिटीज़ अचन थी उतने बार वही दाखिला की गाल अचे तो उन कॉम्पिटिशन में मसलन जैसे तीन इंजीनियरिंग यूनिवर्सिटी में कॉम्पिटिशन आ तो उ प्राइमरी जो सरकारी स्कूल में बार पढ़ी आए वो भी कॉम्पीट करे तो जो प्राइवेट स्कूल्स में पढ़ी आए वो भी कॉम्पीट करे तो यो जो तबकाती जो झगड़ो जो पैदा थे पो न इन से असली तलीमी निज़ाम के ढो धक् रसो यूनिवर्सिटी में सजा जो तरीका सच यूनिवर्सिटी में कोई भी फॉर्मल वे न हों सजा जो पर जैसे सोशोलॉजिस्ट की नज़र से ऐसा या इन नज़र से ऐसा तो यो एकड़ो जनरल बिहेवियर जरूर आ जैसे असि चूं तो समझो तो अब्यूज़ यो दुनिया के हर यूनिवर्सिटी या हर जगह में या इवन हर इदारे में थींदो आ यो समाज जो हिस्सो आ तो यूनिवर्सिटी में यो एक्सपेक्ट करे सकजे थो तो मुख्तलिफ़ किस्म जहाँ अब्यूज़ पॉसिबल थींदा होजन था या कदें कदें रिपोर्ट भी थींदा तो उन सबब मुख्तलिफ़ थियन था पर मसा किथे सेक्सुअल अब्यूज जो को न को केस जरूर थींदो आ बारन जी तालीम लाए प्राइमरी स्कूलन जो बुनियादी किरदार हो जे थो एताई बारन जी शख्सियत निखरी निर्वार थिए थी बार जी प्राइमरी स्कूलन में दाखिल थन था ती संदन वास्तो मार बोचड़े संपवे थो प्राइमरी स्कूलन जा उस्ताद छकन प्रोफेशनल न था होजन उन करे हु बारन जी शख्सियत के निखारण में दिलचस्पी न था वठ आमतौर उस्तादन या कोशिश हुए थी तो बार कें तरीके से संदन पढ़ायल सबक के रटे छड़ी उस्तादन जी उन्हीं कोशिश जे करे बारन के मार मोचरे जो मुंह दिसनो पवे प्राइमरी स्कूलन में बारन जी तालीम जे इम्तिहान वारे सिरिश्ते ते सदाई आंगरियों खजंदी रही आहिन जरे प्राइमरी सतह का ही बारन जी तालीमी तरबियत बेहतर नमूने से नथी थिए तरह उन बार के अगते हली बिना घणियों मुश्किलातूं पेश अचन थियूं उन्हीं मार मोचड़े के भोगींदे भोगींदे नेठ बार के तालीम ताई हथ खरणू पैजी वने तो
प्रिंसिपल ऑफ एजुकेशन उसूल तहत जो से बार से डीलिंग करो उनके पाँच कर पे बार महसूस कर यो टीचर मुझो है मुझे खैर ख्वा है मुझे भलाई ला आखिर वो जहन तस्लिम कर जोर ही उनके मंजराइंद उस्ताद आया उस्ताद आया तुम मेहनत कर टाइम दियो जिदोजहद कर दरगुजर कंदा अचो उनके टाइम पीरियड दियो सजो साल आए ताम खा तकड़ कंदा पाँच हालत में उसूल की भंज कड़ी करा अख्तियार के लकीर फकीर थी वा पुराना उस्ताद या तरीका जो तप्लाई थे उडॉप्ट कहता वो छे दियो नव दौर है नवा उसूल है नवा तरीका बार के इज्जत दियो बार इज्जत भुख्यो है उनके कुर्ब दियो उनके समझा सिखार अवं फेलर आयो इम्तिहान अवज भी थे बार जो को दिसण में बार इम्तिहान है पर उस्ताद जो इम्तिहान है उस्ताद पा फेल है तो किथा पेरियड स्टेज आ चालीह में तो इतने इन उम्र जो हेस तीन बार है तो उनके रेण से पढ़ाया ही मेथड अप्लाई कर इजी टू डिफिकल्ट इजी टू डिफिकल्ट नोन टू अननोन सवलाई सवलाई से जातल खान जातल में वो सवलाई का दुखे एकदम दुखे से हल्ला वा सवलाई तेरिया उनो प्रीवियस नॉलेज है उनके सामू रखे आस्ते आस्ते मत डाका ठा तुम पे डाके का एकदम मत डाका सब छे मत डाके बी तार आवाज तो किथा कि जहन मुताबिक उन उम्र मुताबिक तिख्या दियो उसूल तालीम सिखार उसूल उसूल बार कम कर गुस्सा नींद जींस ये सारी सारी फिजियोलॉजिकल नॉर्मल चीज़ें हैं मगर इसका जो माशरे में डिस्प्ले होता है वो डिस्प्ले विद इन दी सोशल लिमिट्स होता है विद इन दी साइकोलॉजिकल लिमिट्स होता है। एक वो टीचर जिसको उस दिन पैदा हुआ है जिस दिन जलजला आया तो उसका तो गुस्सा कैसे होगा। जो एपिलेप्टिक फिनमिना है वो खुद टीचर्स के अंदर मौजूद है। टीचरों के अंदर जो नशे का इस्तेमाल है मैनपुरी का इनका बेबाहर टीचर है हैदराबाद शहर के अंदर आपके जो स्कूलों के जो मास्टरों के अंदर ये बहुत ज़्यादा पाया जाता है। असातिज़ा कहलाते हैं मगर असातिज़ा का एटीट्यूड इन्होंने कब अपनाया है इनको तो इन चीज़ का पता ही नहीं है। वजह क्या है कि अप्रोप्रिएट ट्रेनिंग नहीं है। उस टीचर ने उसको ज़रूर उसको असेसमेंट होना चाहिए उस बच्चे का भी असेसमेंट होना चाहिए मगर जेन्युइन मेडिकल बोर्ड होना चाहिए। मेडिकल बोर्ड अगर ये समझता है कि बच्चे पे जो तशद्दुद जो उसकी जो मार पिटाई हुई है या जो उसके ऊपर जो ज्यादती हुई है उस ज्यादती के पीछे और कौन से अवामिल थे, क्या वो बच्चा उस इदारे में पढ़ने के लायक भी था, क्या जिस टीचर ने उसके साथ जो ज्यादती की है वो खुद ऐसे स्कूलों में पढ़ाने के लायक था या हमने सिर्फ चीज़ों को प्रोजेक्ट करना है। बारन की तालीम तरबियत की बुनियादी जिम्मेवारी सरकार से आयद थे थी जो उन सरकार वट अड़ा वसीला मौजूद होजन था। वक्त जो हुकूमतू तालीमी सिरिश्ते ते बार बार तजर्बा कंद रही हैं। 2021 ईस्वी में पुराने तालीमी सिरिश्ते के तब्दील करे स्कूलन में डीओ ट्रेनिंग्स मुकरर कया व्या पर उन्हें डीओज की कारकर्दगी भी बुढ़ी खा अगते वधी न सकी। मौजूदा दौर में स्कूलन लाए डिप्टी डायरेक्टर क्वालिटी इंश्योरेंस मुकरर थियल हैं पर सिंध के अक्सर इलाक़न में अड़न डिप्टी डायरेक्टर जो पोस्टू गच अरसे का खाली पियल हैं। स्कूलन में उस्तादन की हाजिरी के यकीनी बनाने लाय बायोमेट्रिक सिस्टम तो मुतारिफ कराए वो है पर उस्तादन के प्रोफेशनल बनाएं बारन के तालीम दियण के दाव की सिख्या लाय तरबियत जो निज़ाम उत्ते जो उत्ते बीठल नजर अचे तो जै सबब स्कूलन तोड़े कॉलेजन में मार मोचड़े जो रवाज बाहर निकरी ना सको अज भी जन बार तालीम हासिल करण लाय उन्हें इदारन जो रुख कन था तन खेन हर वक्त तशद्दुद जो निशानो जरूर बनजो पड़े। जैकड़ उस्ताद के जेकी तरीका तदरीसी तरीका या जेके नफ्सियाती तलीम है बार के मुतलिक वह जी पूरी तौर से मिले तो यकीन उस्ताद के रवैयन में भी तब्दीली अची वे पर असोड़ो तो उस्ताद तरबियत याफ्ता होजन के बावजूद जड़ी तरबियत हासिल करे तो तड़ी नो करे बो जड़ी हूँ तरबियत गाहन का मोटी पैं इदार में वही कम करे तो अमली तौर से तो उत्ते उनके वो माहौल मुयसर को जिते ही आज़ादी से मर्जी से कम कर सके खुड़ सारा उनके अड़ा मसाला दरपेश अचन था इंतजामिया के तरफा बारन के माइटन के तरफा माहौल माशरे के रस्मों रिवाज दस्तूर के आज़ादी से उहो कम नथो करे सके जेको उन्हें करण खपे। एकड़ो पहलू इहो आ बियो पहलू इहो आ
असावट जो रवायती तौर से के गाल हलदियों थी अचन उन मू जारी सारी रखो था अचन मसलन के कर मार संवार वो जो पुराणो असो पहाको है या चवणी आदि अदा मार है बार की संवार हाँ वह संवार के कर मार है तो वह दस्तूर ठही वो बार मू सजा दियन था उस्ताद भी उन्हें हिस्सों छाकाण पाण भी मार खाई पढ़ी आयो ते समझे तो शायद मुझे मार के सबब के कर ही बार सुठे तरीके से पढ़ी सको बार कड़ी मजबूर बार कड़े माहौल में अचे तो बुख्यो उ दुख्य माटे की माँ अस या उनके पी के तरफा प्यार को मिले तो ये असरातन उहे बार जी जिंदगी के वो मुतासिर था कन हाँ उस्ताद जी बार अचे तो वो अच क्लासरूम में वेह तो जी उस्ताद के एतरो शऊर हुए उनके पंजे पेशे वाराना सलाहियत एतरी मौजूद हुए जो हु उने बारन के हर एक के दिसे उने जे मसाइल के मालूम करे उने जे तबई जे करी का हुन में खोट आहे मतलब त बुधण जी समात उने जी घट आहे या जे करी उने जी दिसण वारी कुवत घट आहे उने के या गालाण में का अटक हटक तस या पोएते जो को अरो उने जो मसलो आहे घरेलू जे का हु मजबूर थी पढ़ने में कुंद फहम है या असंगे रेस्पॉन्स नो दे ये सभी गाल उस्ताद दिसे तो शायद मार करण की या उनके सजा दियण की जरूरत दरपेश न अचे तुझे खबर आ तो बार असो मिस्किन के घर का जी अचे तो हारिए घर का अचे तो कें माल मालवंदे मानु के घर का अचे तो या बेरोजगार मानू गरीब के घर का अचे तो उनके अध स्कूल में अचो पवे तो अध स्कूल का बहर रहो पवे तो उत कमकार करे तो उन हालत में जो तैलीम वो पासो उनो थोड़ो अंधेरो तो थी वे उन पास घट तवजो तो दे उनकी मजबूरी आज सबक पक नो कर तो उस्ताद उनके सजा दिए तो सिंध में हाँ टी धुरपारा भर्तियन की मॉनिटरिंग के कर प्राइमरी उस्ताद के मुकरन जो मामलों तो कें हद तीन बेहतर बनो है पर अञा भी स्कूलन में उन्होंने उस्तादन की अक्सरियत मौजूद है जेके रिवायती तरीकन तहत तालीम दियण जा आदि है उस्तादन के तरबियत जो मसलो इंतहाई अहम है जैसे नाले मात्र भी ध्यान नथो दिनो वे पाकिस्तान में जो सबसे ज़्यादा जुल्म हो रहा है वो यही हो रहा है कि जो हमारा असल जॉब है उस पर हमारा सलेक्शन क्राइटेरिया सही नहीं है ना एजुकेशन डिपार्टमेंट ना ही हेल्थ डिपार्टमेंट और ना ही सियासत पॉलिटिकल साइंस के जो स्टूडेंट्स हैं उनका इसलिए ज़्यादातर मिसफिट लोग इस माशरे को चला रहे हैं स्कूलन में बारन की नफ्सियात सदन जहनी ए जिस्मानी हालत के परखण ए परूरन जो भी को मेकेनिज्म मौजूद कोने जै सबब समूरा बार एक ही सिफ में भी तालीम हासिल कन था अड़न बार मार मोचड़े जो शिकार बनो पवे तो जेके नफ्सियाती जहनी तौर होशियार बारन जो मुकाबलो नथा करे सकन पाकिस्तान खास तौर सिंध जड़न मुआशरन में पढ़ाई जे अमल के अञा ताई एक फन तसवर नाहे कयो वियो जै सबब उही मानू इन पेशे तरफ रुख कन था जिन जो पंहिंजो ध्यान बि पढ़ाई तरफ कॾहिं नाहे रहियो खुद दर्शगाहूं ऐं तालीमी इदारा बि उन्हनि बुनियादी सहूलतनि खां वांझियल आहिनि जिन जे ज़रिए ॿारनि जी ज़हनी औसत थी सघे ऐं हू तालीम तरफ़ पूरी रीत रागिब थी सघनि पाकिस्तान जहिड़नि मुल्कनि में प्राइमरी सतह जी तालीम खे कॾहिं बि अहमियत नाहे ॾिनी वई उन करे न त बहितर तालीमी दर्सगाहूं जुड़ी सघियूं आहिनि ऐं न ई वरी प्राइमरी सतह जा उस्ताद कॾहिं अहमियत